माफिया में पूर्व जनपद अध्यक्ष रईस खान के ऑफिस में चल रहे जुआ पर जिला प्रशासन ने रेक डालकर 20 जुआरियों को दबोचा है। छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। देखिए यह रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले में अवैध सट्टे का बोलबाला प्रशासन के लिए चुनौती खड़ा कर रहा था। ऐसे में परासिया थाना सहित एसडीओपी कार्यालय के स्टाफ की संयुक्त टीम के साथ रईस खान की दुकान के पीछे बने बरामदे में से कुल 20 लोग जुआ खेलते पकड़े गए, जिनके कब्जे से 2,52,000 सहित 20 मोबाइल, 5 बाइक व एक कार सहित 13,52,000 रुपए का माल जब्त किया गया, जहां पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक महोदय छिंदवाड़ा श्री मनीष खत्री सर के द्वारा लगातार जुआ एवं सट्टा के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। उसी तारतम्य में कल अनुभाग परासिया है उसकी टीम, जिसमें परासिया कार्यालय से थाना परासिया, थाना चांदापेटा, थाना उमरेड, चौकी न्यूटन एवं चौकी बड़कुई के बल के साथ रईस खान कंपनी की जो दुकान है उसमें जो पीछे बड़ा बरामदा है उसमें अवैध जुआ संचालित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर संपूर्ण बल के साथ जो है दबिश दी गई थी। तो दबिश में 20 आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए गए, जिसमें 2,52,000 रुपये मसूका के रूप में जब्त किया गया है, 5 वाहन एवं 1 कार, इसके अतिरिक्त 20 मोबाइल जो हैं जब्त हुए हैं। कुल मसूका 13,52,000 जो है जब्त किया गया है एवं सभी आरोपियों को इसमें वैधानिक कार्रवाई करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन ने अपना एक्टिव अंदाज दिखाते हुए 20 जुआरियों को गिरफ्तार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, परासिया।